मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये डायलॉग हो चुके हैं पुराने, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मेडिकल लगा दिया, मेरे फिजिकल की डेट आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडलन बाय अनुज में। सो दोस्तों, आज इन्हीं सवालों की खिचड़ी जो आपके मन में पक रही है, उन्हीं के ऊपर मैं जवाब देने के लिए वीडियो लेके आ गया हूं। सो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, बस इतना सा काम आप कर दीजिए और हम यहाँ पर करते हैं अब अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने क्या किया, अपना अपना मेडिकल लगा दिया डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल ग्राउंड्स पर, लाइक आपने फ्रैक्चर पे, कोरोना पे, टाइफाइड पर एंड मेनी मोर। ठीक है, अब आप सभी के मन में एक ही बात उठ रही है, भाई हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, फिजिकल की डेट देंगे नहीं देंगे, मेडिकल को स्वीकार किया जाएगा नहीं किया जाएगा। और ये उठना स्वाभाविक भी है क्योंकि कैरियर का सवाल है, लाइफ का सवाल है। एक वैकेंसी गई तो दूसरी के तो सपने ही है सुहाने कि कब आएगी कब नहीं आएगी, क्या पता वो कब आए कब ना आए। ठीक है, सो देखिए, आप सभी लोगों ने मेडिकल लगाए अपने, ठीक है, अब उनमें से कुछ जेन्युइन भी है, कुछ आपकी तैयारी नहीं थी तो आपने फर्जी भी लगा दिया, और ये तो रियलिटी है। ठीक है ना, अब लेकिन चिंता जो है वो दोनों को है, फर्जी वालों को भी, रियलिटी वालों को भी, भाई हमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, जिन जिन ने भी अपना मेडिकल लगाया है, जिन जिन ने भी अपने मेडिकल के लिए अप्लाई किया है, एक बार उन सबकी एप्लीकेशंस को, उन सबके मेडिकल्स को वेरीफाई किया जाएगा रिक्रूटमेंट सेल के अंदर। ठीक है, रिक्रूटमेंट सेल उन सबके अंदर फिल्टर करेगी कि भाई इस वाले का फिल्टर कर दो, इसको इधर करो, कोरोना वाले को उधर करो, और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, अब बात क्या है कि अगर बरसात नहीं आती, इंद्रदेव मेहरबान नहीं होते ना पीछे, तो जो बॉयज का मेडिकल लगा था उनको 16 तारीख तक वो पूरा खत्म कर देते, बुला देते उनको किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, पूछ लेते भाई आपका हो गया, आ जाओ आप, आ जाओ ग्राउंड में, तो उनका फिजिकल निकलवा देते। लेकिन अब सिचुएशन क्या हुई कि अब आपकी जो 15 तारीख का आज का था वो भी रिजर्व डेज में शिफ्ट हो गया, कल वाले हालात अगर आज इंद्रदेव दोबारा मेहरबान हो गए तो पानी दोबारा भर दिया, तो कल वाला भी आपका रिजर्व डेज में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले वाला आपको पता ही है, जो आपका हुआ था 13 वाला, उसमें भी आपका कहीं ना कहीं थे ऐसा ही हुआ था बरसात की वजह से। ठीक है, सो सारी चीजें क्या है, रिजर्व डेज में शिफ्ट होती जा रही है, और साथ में गर्ल्स का भी बची है। अब गर्ल्स वाले दिन में तो ऐसा ही नहीं कि गर्ल्स भागेगी, उस दिन बरसात नहीं आएगी, अगर उस दिन भी बरसात आ गई आपकी तो आप सोचो उनका भी तो शिफ्ट करना पड़ेगा, पानी भर गया तो 2 दिन का 3 दिन का, और दिन हमारे पास 10 ही है टोटल। ठीक है ना, सो अभी आप उन सबको मैनेज किया जाएगा कि भाई आपको डेट कब मिलेगी। पहले तो आपकी इंटेंसिटी देखी जाएगी कि भाई आपकी गंभीरता कितनी है रोगों की और मेडिकल ग्राउंड्स की। अब किसी का हाथ की उंगली टूट रही है, ठीक है, उसने मेडिकल लगा दिया, सर मेरे हाथ की दोनों उंगलियां हैं, मैं मेडिकल ग्राउंड्स पे ले लिया, उन्होंने कोई बात नहीं, लाओ दे दो सारे दे दो। ठीक है, उन्होंने लेके रख लिया, लेकिन अब रिक्रूटमेंट सेल उन सबको क्रॉस चेक करेगी कि भाई एक बार क्रॉस चेक तो कर लेते हैं कि इनके अंदर कुछ है भी या नहीं है, कि किसी का नाखून भी टूट गया तो वो भी आके बोल रहा है, किसी का बुखार हो गया वो भी आके बोल रहा है, खांसी हो गई वो भी आके बोल रहा है। तो सोचो इतने बच्चे इतने मेडिकल ग्राउंड्स पर अगर आने लगे, खांसी जुकाम बुखार, किसी के कुछ, तो क्या ये फिजिकल कभी कंप्लीट हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिजिकल तो ये कोई ना कोई तो आता ही रहेगा। फिर 26 तारीख को कोई लगा देगा, कोई रिजर्व डेज वाले दिन लगा देगा मेडिकल की, मेरे तो कोरोना हो गया, मेरा रिजर्व डेज में नंबर था, उसका फिर कब लिया जाएगा, उसके लिए अलग से रिजर्व डेज लेके आने पड़ेंगे। तो सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, है ना कि भाई देखो सभी चीजों का ध्यान ये है कि अब आपके 26 तक है, इस पीरियड के बीच में किसने किसने मेडिकल लगाया है, किस इंटेंसिटी के ऊपर लगाया है, क्या उसकी इंटेंसिटी है, क्या वो मेडिकल ग्राउंड्स पर खरा उतरता है, क्या उसकी प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, क्या वो सच में ही इस चीज का लाभ पाने वाला लाभार्थी है। अगर नहीं है, अगर उनको लगता है कि ये सिर्फ एक टैक्टिस है कि जस्ट टू गेट सम टाइम टू बी बेटर इन फिजिकल, सो वो आपको वहां पर रिजेक्ट कर देंगे मेडिकल ग्राउंड्स के अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे बड़ी कोरोना पॉजिटिव वालों की। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है तो देखिए, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की रिपोर्ट भी बनवाई है, लेकिन वो कहते हैं ना गेहूं और घुन दोनों मिक्स हो गए हैं, अब उसमें से छटाई नहीं हो सकती कि भाई गेहूं किसके हैं और घुन कौन सा है। एक बार आटा पिस गया तो ना गेहूं को अलग कर सकते ना घुन को अलग कर सकते। ठीक है, सो अभी तो जिसकी भी रिपोर्ट कोरोना की आ गई ना, दे ऑल आर कंसिडर एज कोरोना पॉजिटिव, और वो सभी आर दे ऑल आर लाइबल टू गेट ए न्यू डेट इन रिजर्व डेज, ठीक है, फॉर देयर फिजिकल। सो उन सभी को डेट तो दी जाएगी, कोरोना वालों का जेन्युइन अधिकार है भाई। ठीक है ना, क्योंकि आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी जा रही है, हर
चीज मांगी जा रही है आपसे, इट मींस वो क्यों किया जा रहा है, ताकि कोई कोरोना वाला वायरस हमारे ग्राउंड में ना घुस जाए। और अगर आपके कोरोना है सो यू आर 110% एलिजिबल फॉर ए न्यू डेट इन रिजर्व डेज फॉर योर फिजिकल, ठीक है। सो आपको कोरोना वालों को तो मिले ही मिलेगी, आपको किसके लिए, फिजिकल के लिए डेट, एक चांस तो आपको डिजर्व आप करते ही करते हो, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं फॉर फ्रैक्चर, जिनके फ्रैक्चर हो गया ना उनकी बात करते हैं, तो यहां पर दे विल चेक योर इंटेंसिटी ऑफ इंजरी, कि आपकी जो इंजरी हुई है उसकी इंटेंसिटी क्या है, कि आपकी माइल्ड है ये, मॉडरेट है, बहुत ज्यादा आपकी ऐसी है कि जो सीरियस है, वो सारी चीज चेक करने के बाद ही आपको मेडिकल ग्राउंड्स पर वो अलाउ करेंगे, ठीक है ना। मान लो किसी का पैर ही टूट गया पूरे का पूरा, अब वो पैर को लटका के थोड़ी ना आएगा कि भाई मुझे भगा लो। सो वो एक आपको क्या बोलते हैं, नेचुरल वो है आपका, कोई कोई नहीं चाहता, नो वन वॉन्ट्स कि उसकी पैर ब्रेक हो जाए, उसकी इंजरी हो जाए, उसका घुटना टूट जाए, उसका हार्ट टूट जाए, कोई भी नहीं चाहता। सो यहां पर मेडिकल ग्राउंड में क्या कंसिडर किया जाता है, कि कोई भी एक ह्यूमन बीइंग जो नेचुरल अपने दिमाग से साउंड है, बिल्कुल ओके है, वो नहीं चाहेगा कि मेरा कोई भी अंग वो टूटे या खराब हो। सो यहां पर मेडिकल ग्राउंड्स की एक और बात बन जाती है कि भाई ठीक है आपका पैर टूट गया, आप नहीं चाहते कि मेरा पैर टूट गया, कौन चाहेगा कि मेरे पैर की हड्डियां दो हिस्से में टूट जाए, कोई नहीं चाहता। तो यहां पर भी आपके चांस है कि आपको मेडिकल में रिजर्व डेज में टाइम मिलेगा फ्रैक्चर वालों को। नाउ अगर हम बात करते हैं फॉर सम अदर काइंड ऑफ द इलनेस, ठीक है, लाइक टाइफाइड फीवर और इस तरह की अगर आपकी कोई बीमारी है, मान लो आप इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से अगर आप नहीं आ पाए, ठीक है, उस केस में फिजिकल मिलने के चांस कम होते हैं, ठीक है ना। बुखार हो गया, खांसी हो गई, इन सबको आप बोलते हैं वायरल, आपको मौसमी तरह से वो सीरियस डिजीज के अंदर नहीं आती है, ठीक है। वायरस फ्रैक्चर्स दे ऑल आर कंसिडर एज सीरियस डिजीज, बट लाइक फीवर, कॉमन कोल्ड, कफ, ठीक है, दे और कंसिडर एज आपकी कॉमन, आपने देखा कॉमन कोल्ड, ठीक है, जैसे कॉमन फीवर, वायरल फीवर, मोस्टली बुखार जो हो जाता है, सो इनको वो इंटेंसिटी उनकी हाई में उन्हें कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना। सो यहां पर जिन्होंने भी अपने बुखार की लगाई है, टाइफाइड की, किसी के कुछ की, किसी कुछ की, उनके चांसेज कम है कि भाई उन्हें जो चांस है वो कम है कि उनको मिल जाए, ठीक है। हाँ ये भी नहीं कह रहे कि उन्हें नहीं मिलेगा, बट इंटेंसिटी इज वेरी लो टू गेट ए न्यू डेट ऑफ फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल डेट प्राप्त करने की उनकी इंटेंसिटी ना के बराबर भी नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते कि उनको मिलेगा, बट फ्रैक्चर और कोरोना वायरस की जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है कि उनको तो डेट मिलेगी ही मिलेगी, उनका तो फिजिकल जो है वो करवाया जाएगा और मेडिकल जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यही सारी बातें थी कि जो आपके मन में आ रहा था कि नई डेट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब एक सवाल आता है कि आप सबको इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा, कि आपको पता कैसे लगेगा, आइदर दे आपके एक एडमिट कार्ड को दोबारा से पब्लिश करेंगे और टेलीफोनिकली आपसे कनेक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, ये चीजें भी एक मेन उठ के आती है। सो यहां पर मैं आपको बता दूं कि शायद एडमिट कार्ड टाइप का तो आपका कुछ भी नहीं किया जाएगा, दे विल इन्फॉर्म यू यूजिंग योर ईमेल आईडी और योर फोन कि उसके ऊपर आपको टेक्स्ट भेज दिया जाए या आपको ईमेल आईडी पर कोई मेल भेज दिया जाए जिसमें आपका डेट एंड वेन्यू आपका वहां पर उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया हो। सो आई एडवाइज यू ऑल टू चेक योर ईमेल आईडीज एंड योर फोन मैसेज बॉक्स रेगुलरली बेसिस आफ्टर 26 ऑफ जुलाई, ठीक है। सो 26 जुलाई के बाद से आप चेक करते रहिए रेगुलर, क्योंकि आपको डेट मिलेगी वो आपके आसपास ही पहले ही बता देंगे कुछ तो कि आपको रिजर्व डेज में मिला है, क्योंकि ऐसा तो नहीं 26 के बाद 27 को जिसका है या 28 को है उसको एक दिन पहले बताएंगे। सो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट यू हैव टू चेक योर मेल आईडी और योर फोन मैसेज बॉक्स रेगुलरली, ठीक है। सो ये काम आपको करना है और इन्फॉर्मेशन आपको किसी ना किसी तरह वो पहुंचा देंगे या साइट्स पर कोई लिस्ट डाल देंगे, दिल्ली पुलिस वाले पूरी लिस्ट डाल दें जिसमें आगे आपका नाम लिखाओ, ग्राउंड लिखाओ और आपकी डेट लिखाओ, जैसे कि उन्होंने पहले डाली थी सारे बच्चों की, जितने भी बच्चे फिजिकल पास हुए थे उनकी डाली थी कि एनपीएल में इसने इतनी तारीख को एनपीएल ग्राउंड में जा रहा है, वैसे एक आपकी लिस्ट निकाल दी जाए, ठीक है। सो यही सारा प्रोसेस रहने वाला है रिजर्व डेज को लेके। होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है।
फिर भी कोई डाउट रहता है आप सबके मन में, क्योंकि आप सभी लोग एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी लोग पेपर देने वाले हैं, तो डाउट तो उतना लाजमी है। सो आप सबके डाउट को क्लियर करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स को बिल्कुल सोल्व करने के लिए, कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपके सोल्व कर सकूँ। सो आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में बार अपना डाउट लिख दीजिए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, मैं कोशिश करूंगा उसे आपके जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करने की, उसे सोल्व करने की। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर कर दीजिए, नए सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, जय हिंद, नमस्कार।